हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल, द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज सारा आप लोग का एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कवर अप हो जाए, तो डेफिनेटली आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए और मुझे मोटिवेट करना चाहिए कि आपके लिए ऐसे ही सेशंस लेकर आती रहूं। तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, कंप्यूटर का, जनरल साइंस का, जीके का, बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो आज का जो सेशन है, कल मैंने एक सेशन बनाया था रिगार्डिंग द वेकेंसीज ऑफ DSSSB, JJA, SPA का डिटेल सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, बिकॉज अब टाइम नहीं है ज्यादा, क्योंकि डेट आ चुकी है। तो लेट अस डू द जनरल नॉलेज का पार्ट वन टुडे कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का संडे को आएगा। लास्ट 6 मंथ का पूरा जो इम्पोर्टेंट आपका है करंट अफेयर्स, वो आपका संडे तक आ जाएगा। फिलहाल हम जो जनरल नॉलेज है और जो 30 मार्क्स का है उसको कवर अप कर लेते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आर यू ऑल रेडी? सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द स्टोर फॉर अस टुडे। तो जीके पार्ट वन स्टडी विद अलका कंडवाल में आपका स्वागत है। चलिए तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से कंट्री से बोरो किया गया है? तो आंसर है आयरलैंड से। जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कौन से आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 36 to 51, और कौन से अंडर? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द DPSP। तो ये भी हम लोगों को साथ साथ में पता होना चाहिए कि 36 to 51 पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए डेडिकेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मैमरी ग्लैंड होते हैं, व्हाट आर दे? दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी। जो सलाइवरी ग्लैंड है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा, ठीक है। और जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, वो टीयर्स के डील करता है। सिबेशियस जो ग्लैंड है, दे आर द ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस, एक सीबम होता है हेयर फॉलिकल्स के लिए, जो ऑयल मेंटेन करता है हेयर फॉलिकल्स में, उसके प्रोडक्शन के लिए सिबेशियस ग्लैंड होता है। और जो स्वेट ग्लैंड है, इट प्रोड्यूसेस द स्वेट। एंड बस ये है आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो मैमरी ग्लैंड हैं, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ योर स्वेट ग्लैंड ओनली। ओके, अब जो है, हु साइंस ऑन द इंडियन करेंसी नोट ऑफ ₹1? तो इसका आंसर है सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल 22 है, अंडर सेक्शन 22 जो है ऑफ RBI एक्ट, ठीक है, तो वो कितने भी डिनोमिनेशन के साथ काम कर सकते हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। RBI हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट ऑफ, कितने भी करेंसी नोट को इशू कर सकते हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। जो 1 रुपी नोट होता है वो इशू भी होता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इट इज साइंड बाई द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो दूसरे होते हैं उसमें सिग्नेचर ऑफ द RBI गवर्नर रहता है, मगर जो ₹1 का नोट होता है उसमें सिग्नेचर होता है सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो वो नोट होता है वो इश्यू भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू होता है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कॉल्ड द जैक ऑफ ऑल द ट्रेड? उसको बोलते हैं, स्किन को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है हमारा स्किन। इज इट फाइन? सो द आंसर विल बी स्किन। अब कौन सी हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी से ड्वार्फिज्म, जो छोटी हाइट रह जाती है, कौन से हॉर्मोन की वजह से होता है? दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, GHD, और उसकी वजह से हमारा ड्वार्फिज्म होता है, एंड इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। एंड बस ये है इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट। ओके, व्हाट
among the following is competent to seek the advisory opinion of Supreme Court of India? तो किसको है कि वो भी एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से? सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्ड द सुप्रीम कोर्ट विद द एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन. अब प्रेसिडेंट भी सीक करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस अगर उनको चाहिए. कोई भी इशू हो लॉ का या कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई इशू है तो प्रेसिडेंट हैज दैट थिंग दैट ही इज कॉम्पिटेंट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन. अब उसका मानना न मानना इट इज द सोल चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट, मगर वो उसकी एडवाइस ले सकता है. ये आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को ये इम्पावर किया गया है दैट विद द एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन. ठीक है, अब इनमें से कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में? इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. सो रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ और इट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम डिफेक्शन हो जाए तो. तो ये कौन से शेड्यूल में है? हमारे 12 शेड्यूल है. ठीक है, पहले तो 8 शेड्यूल था इनिशियली एंड नाउ वी आर हैविंग 12 शेड्यूल. और जो 10th शेड्यूल है इट डील्स विद द एंटी डिफेक्शन एक्ट. ओके, एंटी डिफेक्शन एक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द दिस मतलब डिस्क्वालिफिकेशन करना हो किसी का, सो 10th शेड्यूल में उसका प्रोविजन है. अब 12 शेड्यूल में हर एक शेड्यूल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम जाने तो जैसे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट द यूनियन टेरिटरीज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट. ये सब इंक्लूड है फर्स्ट शेड्यूल में, स्टेट यूटीज ये सब के बारे में. जो सेकेंड शेड्यूल है अब कितने अलाउंसेस कितने प्रिविलेज कितने इमोल्यूमेंट दिए जाएंगे प्रेसिडेंट को, गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट को, स्पीकर लोकसभा, डिप्टी स्पीकर को, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ मतलब इन सब की, जज से लेकर कैग से लेकर सुप्रीम कोर्ट जजेस से लेकर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन से लेकर ये सारे जो लोग हैं उनको कितने अलाउंसेस मिलने चाहिए, क्या क्या प्रिविलेजेस होंगे, वो सारा सेकेंड शेड्यूल में है. जब हम थर्ड शेड्यूल की बात करें तो ओथ और अफर्मेशन इट इज इन द थर्ड शेड्यूल. क्वेश्चन आता है द ओथ एंड अफर्मेशन इज इन विच शेड्यूल? कैग की, स्टेट मिनिस्टर्स की, हाई कोर्ट जजेस की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे ओथ एंड अफर्मेशन हमारे थर्ड शेड्यूल में है. फोर्थ शेड्यूल में है द एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट एंड यूटीज इन द राज्यसभा, वो है फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स. फिफ्थ शेड्यूल में है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की इंफॉर्मेशन हमारी फिफ्थ शेड्यूल में है. सिक्स्थ शेड्यूल में है जो चार हमारे स्टेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज हैं ये सब का इंफॉर्मेशन है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल में. यू कैन रिमेम्बर ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. बी वेरी केयरफुल, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, ट्राइबल एरिया. सेवेंथ शेड्यूल में लिस्ट है, थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट के इंफॉर्मेशन है हमारी सेवेंथ शेड्यूल में. जो हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज इन द एट्थ शेड्यूल. फाइन, नाइन्थ शेड्यूल में क्या है? द स्टेट एक्ट्स और लैंड रिफॉर्म्स, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये सब है हमारा नाइन्थ शेड्यूल में. टेंथ शेड्यूल में है जो अभी हमने किया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्शन है, किसी को डिस्क्वालिफाई करना है तो ये है टेंथ शेड्यूल में. और ये एड किया गया था 52 अमेंडमेंट एक्ट में, 1985 के 52 अमेंडमेंट एक्ट में इसको जोड़ा गया था एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अमेंडमेंट, तो 52nd अमेंडमेंट हमको याद करना पड़ेगा. और जो 11th शेड्यूल है और इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट specifies the powers, authorities and responsibilities of panchayat. It has 29 matter और इसमें 73rd amendment act 1992 में add किया गया था. तो language का क्या था? 8th schedule है ना. अगर 6th schedule में क्या था? ATMM
तो ये याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ये क्वेश्चन में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। 12th शेड्यूल है, इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपिलिटीज से रिलेटेड। हमारा प्रोविजन 12th शेड्यूल में है, 18 मैटर्स है और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में तब ऐड किया गया था। तो ये देखो ये 73rd में और यहाँ पे 74th 12th शेड्यूल। ओके सो दीज आर द 12th शेड्यूल। नेम द कॉम्पोनेंट ऑफ द डाइट विच इज एसिमिलेटेड एज सच। तो विटामिन्स है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, रिक्वायर्ड इन द डाइट में जरूर चाहिए होते हैं, जो स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए विटामिन्स, एंड दे आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डाइट विच इज एसिमिलेटेड। अब द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, who enacted the constitution of India, where directly elected by the people, नहीं, nominated by the governor general, नहीं, they were elected by the legislative assemblies of the various provinces, and this is the correct answer. Option C is the correct answer. ठीक है, अब जो disinfection करते हैं, drinking water को बीच बीच में disinfect करना पड़ता है municipalities के द्वारा, वो कैसे, उस process को किससे किया जाता है, chlorination से, क्योंकि जो chlorine है उसमें बहुत क्या है, disinfectant, it is used as the disinfectant, so that process is known as the chlorination, because जो chlorine है वो strong oxidizing disinfectant है, इसीलिए द प्रोसेस इज क्लोरिनेशन। द कंट्री वेयर द पेपर रिसाइकलिंग वॉज इनिशिएटेड, वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में पेपर रिसाइकलिंग फर्स्ट इनिशिएट किया गया था, वो यूएसए है, और कौन से ईयर में, 1874 में, तो आंसर है यूएसए। अब जो ये है ओजोन डिप्लीशन का मेजर कॉज क्या है, कौन सी केमिकल की वजह से है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका फुल फॉर्म भी याद रखना। ओके, अब एट व्हाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर, तो हमारा आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, मगर अगर ऑप्शन में आ गया केल्विन में तो हमको आना चाहिए सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, तो इसमें हमने 273 अगर ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 373 केल्विन, तो अगर हमको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, वी जस्ट ऐड 273 विद इट, फाइन, तो अगर ऑप्शन में आ गया सेल्सियस में तो हमारा आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में आ गया तो 373 केल्विन, इज इट फाइन। एंड ये है, अगर एट व्हाट टेम्परेचर वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, फ्रीजिंग वाला होता है तो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ठीक है, फ्रीजेस इनटू आइस में होगा 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस। Which of the following is necessary in the diet for the normal functioning of the thyroid gland? Thyroid gland के लिए proper जो functioning है उसके लिए कौन सा बहुत important include component है जो कि add होना चाहिए हमारा diet में? That is nothing but iodine is very important for the normal function of your thyroid gland. Where does the malaria parasite Plasmodium show initial multiplication after mosquito bites enter the body? कहाँ पे होता है वो initial multiplication? Liver में होता है. Fine. So the answer is liver. The following name is associated with the waterman of India. तो राजेंद्र सिंह. Okay, just wait. Okay, राजेंद्र सिंह है और वो conservationist थे और राजेंद्र सिंह तो जो कि राजस्थान के बहुत राजेंद्र सिंह हाँ तो राजस्थान के जो बहुत सारे एरियाज थे जो एबेंडन कर दिए गए थे बिकॉज की वाटर स्कैरसिटी नहीं है तो उन्होंने उसमें ट्रेडिशनल टेक्निक लगा के वाटर को स्टोर किया और उसके बाद उसको रहने लायक बनाया सो राजेंद्र सिंह इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कितना होना चाहिए 6.5 to 8.5 That is the answer. ठीक है, which of the following is the largest gland in an adult man? Obviously, it is liver. Liver is the largest gland. ठीक है, एक कफर सेल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, इट इज इन द लीवर। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द लीवर। नाउ
एक ब्लैक फूड डिजीज सबने सुना होगा, और वो प्राइमरीली किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ब्लैक फूड डिजीज होता है? वो फ्लोराइड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है या लेड है? आर्सेनिक की वजह से होता है। और एरियाज ताइवान में कुछ एरियाज हैं और उसमें बहुत सारा ये ब्लैक फूड डिजीज पाया जाता है, क्योंकि उनका आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर में भी मिला था। दैट इज वाई द एरियाज ऑफ ताइवान विद एलिवेटेड आर्सेनिक इन द ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज वाई द केसेस ऑफ ब्लैक फूड डिजीज इज ऑल्सो मोर देयर इन ताइवान। ठीक है, सर्टेन एरियाज ऑफ ताइवान, तो आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फूड डिजीज होता है। तो आज के लिए हम लोगों का इतना, ओके सॉरी, और है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 2005, तो ये ईयर्स भी कभी कभी आ जाते हैं, सो वी नीड टू रिमेम्बर इट। 2005 में हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनएक्ट। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, दैट इज द पार्ट वन। टुमारो अगेन पार्ट टू विल बी कमिंग, पार्ट थ्री आएगा, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कल जो सेशन आएगा उसमें पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, सो ऑल ऑफ यू बी रेडी। एंड अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन क्लिक नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही सेशन अपलोड हो, अभी के लिए, बिकॉज इंग्लिश के भी सेशंस आने वाले हैं, सो डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइए। सो एवरीवन, थैंक यू, एंड लेट्स होप वी मीट अगेन सून। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। बाय बाय एवरीवन।